अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग जो कि ईद से पहले थी, प्रेशर भी आ रहा था, सुनने में आता है कि प्रेशर भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक अच्छी कैंडल बनी। और क्लोजिंग भी अगर देखें तो हायर साइड पे हुई है विथ स्मॉल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट हुआ है। उसकी वजह यही थी कि प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने की अपर साइड पे, हायर साइड पे। इसके रिफ्लेक्शन आपको जो है मैं यहाँ से डेली चार्ट के जरिए से सबको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी वीक बने है, ऑब्वियसली इसमें भी वीक बनी है, तो वीकली भी वीक बनी है। आवरली पे आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए आवरली में थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर दू, थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर दू। अच्छा, अब आवरली में देखें कि ये जो मेरे आप पिछली वीडियो देख लें, लास्ट वीक की वीकली रैपअप की, सो उसमें मैंने बोला था 70,495, 70,500 का मैंने राउंड फिगर में लेवल बताया था, तो उसको माशाल्लाह अचीव भी हुआ है वो काट टारगेट, क्योंकि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड, इतनी अपसाइड दिखा सकती है या इससे ऊपर भी जा सकती है। इवन अगर हम सीपीआर का लेवल देखें तो 70,800 भी यहाँ पे ये शो हो रहा है, वो मैं आपको डेली बता दूंगा, अभी यहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन अभी आप फिलहाल यार डेली आवरली में देख लें तो यहाँ पे अपर साइड पे सेलिंग नजर आ रही है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है। ये देखें, ये आपको कैंडल आपको बता रही है कि भाई ये पहले तो ये अपर साइड पे उसने सबसे पहले हाई लगाया, ठीक है, जो हाई था उसका 70,600 का था, और वहीं से हमने रिजेक्शन देखी। फिर अगेन मार्केट ने डिप लिया, ठीक है, या मार्केट ने फिर अगेन जो लो किया वो 70,133 का किया, फिर इसने हाई किया मार्केट ने 70,500 का, वही जो मैंने लेवल बताया था 70,500 का, 552, वहीं पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। एक्चुअली प्रॉफिट टेकिंग का एरिया वो 70,500 का ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो अगेन 70,450 का हाई लगा, ठीक है, और लो जो किया वो मार्केट ने 70,200 का किया। तो यहाँ पे हम देखें तो 70,100, 70,133, 70,123, 70,200, तो ये लेवल थे, यहाँ से हम बाइंग विटनेस कर रहे थे। तो मार्केट एक समझे आवरली चार्ट में यहाँ पे साइडवेज हो गई थी अपर साइड पे, दैट मींस कि ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। अब इसका पता हम इस चीज से लगा लेंगे, लाइन चार्ट की मदद से देखेंगे हम आवरली चार्ट पे। तो देखें यहाँ पे ये तो डाइवर्जन नजर आ रहा है, देखें ये मार्केट यहाँ पे, यहाँ जो मैं आपको लाइन उससे समझा देता हूँ थोड़ा उसका, तो मैं एक्सपेंड करके यहाँ से थोड़ा सा आपको, ये पहले भी आपको बता चुका और ये वीकली पे भी आ रहा है, ठीक है ना। ये डाइवर्जेंस हल्का सा वीकली पे भी आ रहा था लेकिन इसको निगेट किया। ऑब्वियसली देखे ना, सबसे बड़ा मेन इंडिकेटर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटल, पैसा आएगा मार्केट के अंदर तो जाहिर सी बात है वो सर्कुलेट होगा मार्केट के अंदर। अब वो स्विचिंग होगी, कुछ भी होगा, लेकिन कोई ना कोई स्टॉक, या जैसे फर्टिलाइजर ने अच्छा मूवमेंट दिखाया तो सेक्टर ने, तो उसमें देखें मूवमेंट आई, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, तो वो पैसा जब मार्केट में आता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको ये तो मैंने आपको बताया था थोड़ा अपर साइड पे जा रहा है ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे मैं आपको आ रहा है से बता दूं ये डाउन साइड पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ये जूम इन कर दूं तो आपको ये सही समझ में आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अपर साइड पे हमने विटनेस की है। जाहिर सी बात है लोगों ने नीचे जो लिए हुए स्टॉक होते हैं, और मैं भी हमेशा कहता हूं कि 50% 25% जरूर बेचा करें, प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चला करें, क्योंकि बाकी आपके पास स्टॉक हाथ में होगा, जिस तरह देखें ना आप रैशनली बाय करते हैं, इस तरह रैशनली भी सेल भी करें, तो आपको जो प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे, जो आपके ऊपर की बाएंगे उसकी एवरेज भी कम होती रहेगी, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो बहरहाल अब ये एक ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज जो है, आपने जो कशीदगी देखी, कॉन्फ्लिक्ट देखा बिटवीन ईरान एंड इसराइल, तो ये भी खबरें आई और मार्केट ने बड़ा इसको, इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली लिया। इंटरनेशनल मार्केट अगर आप देखें, स्पेशली क्रिप्टो, क्रिप्टो भी इसी तरह ऊपर गया था, स्पेशली बिटकॉइन बहुत अच्छी रैली बनाई, नए नए हाई बनाए, उसके बाद से हमने देखें इसमें जो है करेक्शन देखी, तो वो न्यूज इस पर ज्यादा इम्पैक्ट किया, लेकिन इतना नहीं किया। मैं आपको क्रिप्टो में जो लोग काम करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, वो फिर भी देखें जो उसने लो बनाया, बगैर न्यूज के जो उसने लो बनाया था वो न्यूज का इम्पैक्ट भी उसने उतना ही लो बनाया, तो इतना ज्यादा कोई खास इम्पैक्ट आया नहीं इस बिटकॉइन पे भी। तो अभी भी देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें बहाना चाहिए मार्केट को करेक्शन का, तो वो हो सकता है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा था केयरफुल होकर काम करें, अपर साइड पे अगर मूवमेंट होती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है, एज यूजुअल जो भी है
प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी डाइवर्जेंस आ रहा है और गैप के साथ भी मार्केट गई थी ऊपर, खुला था, तो ये गैप यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे एक तो ये वाला लेवल है, ये इसको मैं आपको ये ग्रीन कलर दे देता हूँ इसको, कि ये मार्केट लेवल जो रिटेस्ट का, क्योंकि आवली चार्ट पे ये गैप आया है 69,700 का, ठीक है ना। तो आवली चार्ट पे ये देखिए एक गैप यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे ये गैप हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा फर्स्ट हाफ देखें कि भाई अगर ये भी ब्रीच करता है तो फिर थोड़ा केयरफुल होके काम करें, फिर अगला जो गैप होगा वो आवली चार्ट पे फिर 68,400 यहाँ पे फिल होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है, इसके अराउंड 68,000, हाँ 400 500 के दरमियान, 300 भी समझ लें, हो सकता है नीचे और वेक भी बन जाए, लेकिन बहरहाल ये अभी इस पे आवली चार्ट के हिसाब से ये दो दो गैप तो ये फेल होना बाकी है, और ये हो सकता है अगर इम्पैक्ट मजीद ज्यादा तेज होता है तो आज या कल के दिनों में ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले डे क्लोजिंग देख लें या फर्स्ट हाफ देख लें। तो बहरहाल यहाँ पे ये आवली चार्ट के हिसाब से तो करेक्शन बन रही है, कि करेक्शन यहाँ पे हम देखने को मिलेगी हमें, और जाहिर सी बात है अभी न्यू चल रही है उसका इम्पैक्ट आएगा। बहरहाल आप वापस दोबारा वीकली पे आ जाते हैं सॉरी, अच्छा वीकली पे भी इसी तरह देखें तो ये इस वक्त तो माशाल्लाह इस वीक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऑल तो देखें तो ये वीक तो नहीं कल आएगा, छुट्टियां काफी थी इसकी, क्योंकि ट्यूजडे जो वो लास्ट डे था, वेडनेसडे से छुट्टियां थी, तो एक्चुअली वीक तो नहीं कल आएगा। बहरहाल ये कि इसको हम वीकली लेंगे क्योंकि ये एक क्लोज हो गया वीक, तो बहरहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो 215 बिलियन का हमने इस पर इंक्रीज देखा है, 9,760 जो मेरा बेंच मार्क था 9,500 का, 9.5 ट्रिलियन रुपीज का वो क्रॉस कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 10 ट्रिलियन रुपीज या 10,000 बिलियन रुपीज, तो वो भी इंशाल्लाह हमको देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट रिट्रेस करती ही चलेगी। तो अब सिंक्रोनाइजेशन भी देखें, तकरीबन जो सीपीआर के लेवल मैंने लेवल बताया उसके करीब करीब ही है, 69,700 का सपोर्ट बता रहा है इनिशियली, तो यहाँ पर देखें 69,500 400 देखें यहाँ पे कोई विक बन सकती है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट जाहिर सी बात है विक बनती है, तो यहाँ पे विक बन सकती है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो मार्केट ये भी लेवल रिटेस्ट कर सकती है, ये मैं आपको वीकली पे बता रहा हूँ, ये वाला लेवल 67,324 भी कर सकती है, लेकिन उस वक्त होगा जब ये इसके करीब आ जाएगा लोअर बैंड के करीब, सीपीआर का जो है वो तकरीबन 68,288 या 68,200 300 राउंड फिगर में आप ले लें, तो इसको ब्रीज करती है तो हो सकता है यहाँ कोई बड़ी वीक बन जाए और क्लोजिंग इसके ऊपर आए, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे बाइंग का एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो ये लेवल्स हैं सीपीआर के, तो मैं आपको पहले अपर बैंड में, हो सकता है अपर बैंड की तरफ भी जाए शुरू में, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये अपर बैंड भी है सीपीआर का, इसको भी रिटेस्ट कर सकता है 70,800 का, लेकिन फिलहाल जो मैंने आप जिस तरह आपको आवली चार्ट बताया तो उस हिसाब से तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही, क्योंकि वॉल्यूम भी देखें जिस तरह मैंने कहा तो कम वॉल्यूम से ये मार्केट ऊपर गई है, ये देखें लास्ट वीक में देखें 516 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इस वीक में जो है 408 मिलियन का, क्योंकि दिन भी कम थे ऑब्वियसली, उसकी भी एक ये वजह ये भी है कि दिन भी कम थे इसलिए वॉल्यूम ज्यादा जनरेट नहीं हो सके, लेकिन स्प्रेड काफी रहा नजर आया पे इंडेक्स में, स्प्रेड काफी नजर आ रहा है यहाँ पे, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आवली पे भी आ रहा है स्प्रेड ज्यादा नजर आ रहा है, वॉल्यूम कम नजर आ रहे हैं, तो दोनों जगह डाइवर्जेंस है, तो मार्केट में एग्रेसिव ना हो अपर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, यही मेरा अभी वीडियो में भी यही पैगाम है, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरा ट्रेड अलर्ट ग्रुप है उसमें भी मैंने यही कहा था कि थोड़ा केयरफुल होकर काम करें, एग्रेसिव ना हो अपर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, जाहिर सी बात है अगर आपको चांस मिल रहा है डिस्काउंटेड हो रही है मार्केट, आपको चांस मिल रहा है लोअर साइड पे बाय करने का तो बाय करें, एंट्री लें अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था गवर्नमेंट एंटिटीज जो है उनपे आप फोकस करें, जैसे ना मैंने सऊदी अरब पे बताया था कि र्यूमर है और जो है इनका डेलीगेशन भी आ रहा है आज, तो उसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही खबरें हैं, तो मार्केट इंशाल्लाह आगे भी पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट करेगी, पॉजिटिवली चलेगी, मूवमेंट अच्छी दिखाएगी। तो बहरहाल अभी इस वक्त जो है मैंने जो आपको सीपीआर के लेवल बता दिए उसी हिसाब से अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।